वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है आप लोगों का मेरी श्रेणी। घरेलू डोमेस्टिक मार्केट में भले ही इस समय उथल पुथल मची हुई है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। गोल्डमैन के मुताबिक नए साल यानी कि 2025 में भारतीय शेयर मार्केट में लगभग 15% तक की रिकवरी हो सकती है। इसमें निफ्टी 50 के लेवल्स उन्होंने बताए हैं कि ये लगभग 27,000 तक पहुंचने की संभावना है, जो कि FII जो आउटफ्लो के कारण सितंबर 2024 के टॉप से नीचे अपने मौजूदा 9.5% की गिरावट से उभर रहा है। ईटी की खबर के मुताबिक गाइस, ब्रोकरेज ने आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर्स को ओवरवेट और मार्केट वेट में बढ़ा दिया है, जो मांग में सुधार, कमजोर रुपया और जो हमारी डिफेंस एनालिसिस से प्रॉफिटेबल होगा। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि निफ्टी 50 में उछाल मिड टीन अर्निंग ग्रोथ और आईटी और फार्मा जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पर जो उनका स्ट्रेटजी है उसके फोकस की वजह से ही प्रेरित होगा। इन्हें करंट माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में उनकी अनुकूल स्थिति को दर्शाने के लिए अपग्रेड भी किया गया है। ब्रोकरेज रिपोर्ट में इन सेक्टर्स में स्थिर रेवेन्यू आउटलुक पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, फिलहाल आप देख रहे हो आज के दिन सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स लगभग 1900 पॉइंट अब चढ़ा और ये 550 पॉइंट निफ्टी 50 हमें चढ़ता हुआ देखने को मिला है। गाइस, इंटरनेशनल अगर आप बात करो ना कि इसका ब्रोकरेज ने कमजोर रुपया और स्थिर वैश्विक मांग से अनुकूल परिस्थितियों को हवाला भी देते हुए निर्यातकों पर तेजी दिखाई है। इंटरनेशनल रिवेन्यू फ्लो में सुधार के कारण इन्फोटेक को ओवरवेट में अपग्रेड किया गया है, जबकि फार्मा को इसकी रक्षात्मक विशेषताओं और मार्जिन स्थिरता के कारण मार्केट वेट में बढ़ाया गया है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि निकट फ्यूचर में निफ्टी 50 के अगले 3 महीनों में लगभग 2% तक की मामूली बढ़त के साथ 24,000 तक का सीमित रहने की उम्मीद है। मतलब अभी देखो 23,900 के लेवल में पहुंचे, 24,000 तक जा सकता है इसी ईयर में लगभग। एंड ब्रोकरेज ने ये भी कहा है कि MSCI इंडिया के फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशो में 1% की गिरावट आई है, लेकिन यह 22.7 ग्राम पर बना हुआ है। कई डोमेस्टिक लेवल पर बात की जाए तो भारत की GDP ग्रोथ रेट 2025 में 6.3% रहने का अनुमान है, जो 2024 में 6.7% से कम है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद स्थिर मांग और परिचालन लचीलेपन के कारण ऑटो, रियल स्टेट और जितने भी टेलीकॉम पसंदीदा घरेलू गेम्स बने हुए हैं, हालांकि जो शॉर्ट टर्म चुनौतियां बनी हुई हैं, कुल मिलाकर भारत के इक्विटी बाजार में धीरे धीरे ठीक होने के लिए भी तैयार है। सो गाइस, ये एक लेवल बताया गया है। एंड फिलहाल मैं निफ्टी पे मैंने आपको मैं वो लगा कर दिखा देती हूँ जो हमारा फिब एक्सटेंशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टारगेट को, लेवल को जानने के लिए कि आप लोगों का एक्चुअल में कहाँ पर टारगेट और लेवल रह सकता है, आप उसको स्टडी करके चल सकते हो। ठीक है, अभी मैंने इस लेवल पे इसको लगा दिया है और आपको मैं थोड़ा सा इसको यहाँ कर दूँ और एक सेकेंड गाइस। सो ये लेवल आप देख सकते हो, फिलहाल इसका रेजिस्टेंस लेवल भी यही बना हुआ है कि जब तक ये 24,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करता। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको ये मार्जिन? ये देखो, ये 24,320 समथिंग दिखाई दे रहा है। एंड अभी आपने देखा आज के दिन ये जो तेजी देखने को मिली और ये 23,900 के आसपास आकर क्लोज हुआ। ठीक है, जब तक ये 23,928 मतलब 930 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, उसके बाद जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 24,327 के आसपास रहेगा। जब भी इसको ब्रेक कर देगा देन आपको देखिए इसी साल में ही 24,000 के लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको 2025 में 27,000 के लेवल पे जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको 24,972 के लेवल पे पास होता हुआ नजर आ सकता है। द फर्स्ट सेशन इज दिस 24,300 एंड सेकेंड 24,972 का देखने को मिल रहा है। टारगेट काफ़ी ज़्यादा हाई लगा के चल सकते हो, 26,000 तक है जो इसका 52 का हाई देखने को मिलता है। फिलहाल तो गाइस मैं आपको ये कहूंगी, ये जो सिनेरियो है, देखो अगर मार्केट गिरता है तो आपके लिए सपोर्ट लेवल भी तैयार है। अगर इससे मार्केट और गिरता तो एक सपोर्ट 23,436 और दूसरा 23,283 देखने को मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करके चलिए, बाकी कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। सो मार्केट के अंदर एनालिस्ट का क्या व्यूज था वो मैंने आप लोगों से आज डिस्कस किए, आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। एंड गाइस, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करके चलिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।